गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार जो है हम यहाँ पर आए थे, आप मेरा वो पुराना वाला ब्लॉग देख सकते हैं और मैं जो है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पहले हम जब इस नदी पर आए थे तो ये नदी कैसी थी, कितनी सुंदर थी, पानी इसमें एकदम प्रवाह बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसमें जलकुंभी बहुत ज़्यादा उगाई है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम तो यहाँ केवल अपना जो विसर्जन करने के लिए थोड़ा बहुत आए थे सामान, लेकिन यहाँ तो हालत पहले से ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए ये नदी, और ये जो नदी है, पहले हमारा ये वाला वीडियो देखिएगा आप, कितना सुंदर दृश्य है, पानी का सुंदर बहाव, कितना बढ़िया लग रहा है सुबह का मौसम। और इस पुल पर हम खड़े हुए हैं, चारों तरफ का 360 व्यू। काफी गहरी नदी है, बहाव बहुत तेज है। ये देखिए इंद्रायणी नदी का कितना प्यारा व्यू है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले ये नदी कैसी थी और अब देखिए कैसे जल कुंभी पूरी नदी पे उग के आ गई है। ये देखिए ये इस तरह की जल कुंभी है, और ये पता नहीं किस प्रकार का फेन है। पानी का बहाव का जो आपको आवाज है वो आ रही होगी, पानी का बहाव भी है लेकिन साथ में ये किस तरह का फेन है ये भी आप देख सकते हैं। ये जल का बहाव है। लेकिन पता नहीं ये किस तरह का फेन है, ये आप गौर से देख सकते हैं इसको। जल का बहाव बहुत अच्छा है लेकिन ये पता नहीं किस तरह का फेन है जो कि उमड़ रहा है इधर, चारों तरफ जलकुंभी। पानी तो दिख ही नहीं रहा है, पानी का पता नहीं कहाँ है। पानी है, बहुत गहरी नदी है लेकिन ऊपर ऊपर जलकुंभी है। पानी है, काफी गहरी नदी है, ये पता नहीं किस तरह का फेन है ये। जैसा कि आपने देखा ये नदी की जो हालत है कितनी नाजुक हो गई है। तो बिलोंटा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा, सुकून है यहाँ, मतलब ठंडक है, शांति है। 7 बजने को आगे अभी तक दिन भी नहीं डूबा, मस्त उजाला है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, जब हम आए थे तो यहाँ रोड वगैरह कुछ भी नहीं थी, अभी यहाँ रोड वगैरह काफी बन गई है, खेत है। तो हम लोग यहाँ कभी कभी शाम को आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा, शाम को नदी का किनारा, नदी में भले ही अभी पानी नहीं दिख रहा है, पानी नदी मतलब नदी बहुत गहरी है, पानी भी है बहुत गहरी है, लेकिन वही है नदी में तो कुंभी हो गई है और फेन हो गया है, बाकी तो सब बढ़िया है। तो चलिए अब हम जो है मंदिर के लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मिलते हैं आपसे। हम जो है नदी से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए हैं, जैसा कि आपने देखा ये मंदिर वगैरह यहाँ पे बहुत शांति है। ये रोड अभी अभी बनी है, पहले ये रोड नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन अभी 16 फरवरी को हुआ है। अच्छा, और ये देखें नदी, ये है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये नदी है और ये बिल्कुल नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। और ये जो पीछे बना हुआ है ये पुराना मंदिर है, आप लोग देख पा रहे हो तो, और ये नया बना हुआ है। हम लोग इसको तब देख करके गए थे जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू था, और ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रोड वोड कुछ भी नहीं थी, तभी ये बिल्कुल नया रोड डला हुआ है अभी महीना भर पहले ही। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट करके बताइए, आपके अपने भावों को पूरी तरीके से खुल के व्यक्त कीजिए, हमें भी अच्छी प्रसन्नता होगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, हर हर महादेव, जय भोले बाबा की।